मध्य प्रदेश में हमारे सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री हीरालाल जी त्रिवेदी ने समाज में व्याप्त कुसंगतियों के विरोध में खड़े होकर एक देश एक झंडा एक विधान के लिए एक सपाक्स पार्टी का गठन किया है। पहले सपाक्स पार्टी जो है अधिकारी कर्मचारियों का एक संगठन था, किंतु नवंबर 5 नवंबर 2018 को सपाक्स पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक रूप से हमें मान्यता मिल गई है। सपाक्स पार्टी आम जनता की बीच में जो लड़ाई है जिसको कोई सुन नहीं पा रहे हैं, जैसे कि आरक्षण का एक मेन चीज़ जो चल रही है, जातिगत आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। सपाक्स पार्टी का कहना है कि अगर आरक्षण दिया जाए तो वो सभी गरीब को दिया जाए, उसमें जातिगत भेदभाव नहीं किया जाए। गरीब सवर्ण में ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, वैश्य भी है, सभी लोग आते हैं, वो उनकी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। दूसरा सपाक्स पार्टी का मेन जो मुद्दा है, इन्होंने लोकसभा में एक एट्रोसिटी एक्ट का पारित करवाया कानून, इसमें बिना किसी जांच के जेल का प्रावधान कर दिया गया है और उस कानून का दुरुपयोग समाज में हो रहा है, जिससे सवर्ण लोग भयभीत हैं, क्योंकि एससी एसटी वर्ग के लोगों को लोग मोहरा बना के इस कानून का वो दुरुपयोग करेंगे। इसका हम विरोध करते हैं कि पहले जांच की जाए, अगर दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम जो है अन्याय के खिलाफ हैं, किसी के साथ भी हम अन्याय को पसंद नहीं करते हैं, और इन्हीं मुद्दों को लेके समाज में हमारी सपाक्स पार्टी गई है। अभी पिछले जो उपचुनाव हुए थे इसमें भी हमारी सपाक्स पार्टी ने 15 अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। आने वाले नगरीय निकाय के चुनाव और जो भी चुनाव आएंगे, सपाक्स पार्टी बिल्कुल उसमें दमदारी के साथ अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और समाज में एक रूपता लाने का प्रयास करेगी। ये हमारा प्रयास है। आज पार्टी गठन की वर्षगांठ मनाई गई। जी, आज पार्टी के द्वितीय वर्षगांठ का यह आयोजन था। इसमें स्थानीय स्तर पर हमारे वरिष्ठजनों को हमने आमंत्रित किया, उनके सान्निध्य में बैठकर हमने पार्टी के स्थापना दिवस का आयोजन किया।